फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, यस, आपके थ्रू तो मुझे ये न्यूज मिली गई है, पता नहीं हस्बैंड को पता है कि नहीं पता है। तो अभी की जो न्यूज है लेटेस्ट, वो है आखिरकार 28 दिन बाद शाहरुख खान को राहत, आज होगी आर्यन की रिहाई। तो चलो, अच्छी बात है कि रिहाई हो रही है, क्योंकि एज अ पेरेंट, हर पेरेंट को दुख और बहुत वो होता है, वरिड रहते हैं जब तक बच्चा, चाहे बच्चे ने गलत काम किया हो, गलत रास्ते पर चल गया, पेरेंट को तो फिर भी मतलब यही चिंता रहती है ना कि बच्चा वापस आए। तो जो भी रूल था, मेरे ख्याल से वो फॉलो किया गया, प्रोटोकॉल्स जो भी थी, और उनको अब लगा होगा कि अभी इनको रिहा कर देते हैं। तो पता करते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ है, और देख के काफी हैरानी हो रही है कि 28 डेज, मतलब ऑलमोस्ट एक महीना जेल में रहना पड़ा है। मतलब कुछ काफी, मतलब उस टाइप का सीरियस मैटर था कि इमीडिएटली जो है नहीं मिली थी बेल। पर वीडियो शुरू करते हैं, पता करते हैं डिटेल्स। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे मैं अपलोड करता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं, जितेंद्र के पास चलते हैं एक बार। जितेंद्र, क्या इस बात की कोई जानकारी है कि सिर्फ शाहरुख खान जाएंगे अपने बेटे को लेने, या फिर परिवार का कोई और सदस्य भी वहां पर जा सकता है? कैसी ऐसी कोई जानकारी है क्या? शाहरुख खान गए जी? देखिए, ऐसी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, हालांकि उम्मीद जताई जा रही कि हो सकता है कि इमरान खान खुद अपने बेटे को रिसीव करने के लिए ऑर्थर जेल पहुंचे, लेकिन अभी तक इस जानकारी की कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन साथ ही मैं आपको ये भी तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, देखिए किस तरीके से जो गार्ड वगैरह है, अब वो यहाँ धीरे धीरे अलर्ट नजर आ रहे हैं। थोड़ी देर में बकायदा यहाँ पुलिस भी पहुंचेगी, बैरिकेटिंग यहाँ हो चुकी है, लेकिन किंग खान खुद जाएंगे ऐसी कोई खबर अभी तक हमारे सामने नहीं आ पाई है। जी अखिलेश हमारे साथ जुड़े हैं। अखिलेश, हम बात कर रहे थे शर्तों के साथ जो जमानत मिली है, ये शर्तें कब तक लागू रहेंगी? जब तक ये जमानत पे रिहा रहेंगे तब तक लागू रहेंगी, या बीच में इनमें बदलाव भी हो सकता है? क्या इस बारे में जानकारी है? 5:30 के दरमियान जी, देखिए आर्यन खान को जो सशर्त यहाँ पर जमानत मिली है, उसके मुताबिक जो एनसीबी का जो केस है, जब तक चार्जशीट फाइल नहीं हो जाती तब तक उन्हें ये सब फॉलो करना होगा, उसके बाद ये ट्रायल शुरू होता है। तो आपको बता दें कि हर शुक्रवार को उन्हें जाकर हाजिरी भी लगानी होगी एनसीबी दफ्तर में, और उसके साथ ही उन्हें जो हिदायत दी गई है कि जो भी गवाह हैं, पंच हैं, आरोपी हैं, उनसे बात नहीं करनी है, तो उनका पासपोर्ट जमा हो जाएगा। ये सारी चीज़ें जो है, जो 14 शर्त रखी गई है, वो सभी उन्हें फॉलो करना होगा। हर फ्राइडे को उन्हें जाके हस्ताक्षर करना होगा, एक डायरी बनेगी एनसीबी में, उस डायरी में उन्हें हस्ताक्षर करना होगा। ये सारा नियम जो है उन्हें फॉलो करना होगा। और आज जैसे कि यहाँ से उनकी रिहाई होगी, हमने जैसे जानकारी दी थी 5:30 बजे पेटी खुलती है। इस पेटी में हम आपको अब दिखाएंगे कि यहाँ 4 समय लिखा होता है, यहाँ पर देख सकते हैं कि आप ये 5:30 बजे, 10:30 बजे, 3:30 बजे और फिर 5:30 बजे, ऐसे 4 वक्त होता है, 4 टाइम यहाँ पर पेटी से लेटर निकाला जाता है। तो ये 5:30 बजे का लेटर निकल चुका है, अब दूसरा जो है वो 10:30 बजे सुबह लेटर निकाला जाएगा, उसके बाद 3:30 बजे के पास चलते हैं, लास्ट जो होता है वो 5:30 बजे शाम को। जितेंद्र के पास चलते हैं, जितेंद्र मन्नत से जुड़ा हुआ है। जितेंद्र, ये जो 28 दिन है, हमने देखा शाहरुख खान कितने बेचैन रहे, परेशान रहे, वो जेल भी आए, जो जानकारी आप दे रहे थे कि वो होटल में रहे, घर नहीं आए, मन्नत नहीं आया वहीं से, लेकिन परिवार के लिए ये दिन, ये दौर, ये समय, ये कैसा गुजरा? जी बिल्कुल, देखिए बेहद परेशानियों वाला समय था, जिस वक्त लगातार कोशिश कर रहे थे किंग खान किसी भी सूरत में अपने बेटे को बाहर निकाले, लगातार तमाम जो कानूनी दाव पेश थे वो देखे जा रहे थे, मन्नत से दूरी बना ली थी। तो ये जो वक्त गुजरा है पूरे 28 दिन का, जाहिर सी बात है परिवार के लिए बेहद मुश्किल भरा वक्त रहा। लेकिन जब कल जिस वक्त ये बात तय हुई कि अब रिहाई मुमकिन है, उन जैसे ही जो रिलीज ऑर्डर है वो निकले, उसके तुरंत बाद ये आप जो मन्नत देख रहे हैं, मन्नत पर लाइटिंग होनी शुरू हो चुकी थी। हालांकि लोगों का ये भी कहना था कि हर दिवाली पर मन्नत पर ठीक इसी तरीके से लाइटिंग की जाती है, लेकिन ये लाइटिंग परसों नहीं दिखी थी, ना ही कल दोपहर तक यहाँ पर तैयारियां दिखी थी। लेकिन जैसे ही रिलीज ऑर्डर भले ही 5:30 बजे के बाद होनी शुरू हो चुकी थी, बाकायदा फैंस इकट्ठा होने लगे थे, तो कहा जा सकता है कि जो एक खुशी का माहौल था वो थोड़ा बहुत पूरे 28 दिन बाद कल मन्नत पर दिखाई दिया। और जाहिर सी बात है, जैसे निकलेगा, हो सकता है जो माहौल है जरा किंग खान के बेटे के आने के बाद, अब उसमें थोड़ा बदलाव दिखे। जी तो फ्रेंड्स,
मैं तो हैरान होगी सुन के कि घर में उन्होंने लाइटिंग कर लिए कि भैया जैसे खुशियां मनाते हैं ना, शादी होती है या उस टाइप से जब कुछ होता है तो आप लाइटिंग लगाते हो। आई होप नॉट, क्योंकि अगर दिवाली के पर्पज से उन्होंने लाइटिंग लगाई है तो चलो ठीक है, पर क्योंकि बेटा जेल से वापस आ रहा है उसके लिए लाइटिंग, तो मैं तो ये सोच रही हूँ बच्चे पे कितना गलत मैसेज आप दे रहे हो कि भैया वो कोई मैं कह रही हूँ कोई एज अ सोल्जर कोई जंग लड़के तो नहीं जीत के आ रहे, वो एक ड्रग्स नहीं के मतलब डिपेंड करता है। देखिए पेरेंट को तो खुशी होगी पर गलत काम करके आए हैं यार, आपको टेंशन होनी चाहिए कि अब हमने आके उसको ठीक करना है, उसको रिहैब में डालें, उसको बताएं कि नहीं जो भी है आपका, अगर आप देखें कि आपका बेटा जो था वो यूज टू नहीं है ऐसी इन्वायरमेंट में रहने के लिए, वो जेल में रह रहे हैं वहां पे इन्वायरमेंट टोटली डिफरेंट है, कोई इंसान भी मतलब नॉर्मली अनकंफर्टेबल होगा, मगर जो बहुत अमीर लोग हैं जिन्होंने गरीबी देखी नहीं उनके तो पूरा शॉक होगा कि ये भी हो सकता है क्या। तो उससे जो है एक तो ह्यूमन बीइंग का उनका खुद का पर्सपेक्टिव आर्यन खान का बहुत चेंज होने वाला है। आई होप सो। एक महीने में जो उन्होंने विटनेस किया है अपनी जिंदगी में कभी नहीं किया होगा, क्योंकि अमीर लोगों ने कभी इस तरीके की सिचुएशन नहीं देखी है, तो एक तो पर्सपेक्टिव चेंज होगा, मुझे पता नहीं पॉजिटिव तरीके से चेंज होगा नेगेटिव होगा वो हर इंसान के ऊपर है। मगर जब वो बेल मिल रही है और वो इंसान वापस घर पे आ रहा है तो पेरेंट तो खुश होगा कि मेरा बच्चा जो है वापस आ रहा है, उसके बाद जो भी है वो बातचीत करेंगे, आगे कार्रवाई शुरू होगी कोर्ट की और ये सब होगा। अभी वो बार बार इस बात पे स्ट्रेस कर रहे थे कि आर्यन खान ने ड्रग्स जो है कंज्यूम नहीं की है, और उस टाइम नहीं थी कंज्यूम, पर एनसीबी ने कोई टेस्टिंग भी नहीं की ये कहा जा रहा है, और दूसरा सिर्फ उनको इसीलिए पकड़ा था क्योंकि ऐसा लगता था वो पार्ट ऑफ अ बिग नेटवर्क है डिस्ट्रीब्यूशन के, तो प्रॉब्लम वहां आ गई कि जब व्हाट्सएप चैट से वगैरह वगैरह से पता लग गया कि मोस्ट लाइकली आप बहुत बड़े नेटवर्क के पार्ट हैं और डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प आउट करते हैं, तब जो है मेरे ख्याल से प्रॉब्लम आई है, जो अच्छी बात नहीं है। अगर ये अभी ये सब बातें कोर्ट में लड़ी जाएंगी, कोर्ट में आर्ग्यू होगा तब पता लगेगा कि क्या प्रूव होता नहीं होता। कभी जब तक किसी इंसान को कोई कंक्लूजन नहीं आता जज का, कभी भी उसे अज्यूम नहीं करना चाहिए, मगर ये है कि कोर्ट के बाद पता चलेगा जब डिसीजन आता है क्या उनका हाथ था इस कार्य में। अगर उस वक्त न्यूज आती है कि हाँ भाई उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन के नेटवर्क में थे तो गलत बात होगी, तो देखना पड़ेगा। मगर अभी तक तो ये अंडरस्टैंडेबल है कि घर में लोगों को खुशी तो होगी। हाँ पर खुशी ठीक है, पर बाकी मैसेज आप वर्ल्ड को क्या दे रहे हो, दिवाली की तरह का लाइटें लगा रहे हो, दैट वुड बी रॉन्ग मेरे हिसाब से। तो हर पेरेंट जो है पता नहीं इसमें परेशान होगा कि उसके उसके बच्चे ने कुछ ऐसा कार्य किया है कि उसको जेल में रहना पड़े, तो हर कोई पेरेंट चाहता नहीं है कि उसका बच्चा जो है गुंडा मवाली बने, तो हर पेरेंट को इस बात का दुख होगा कि मेरे बच्चे को जेल हो गई 28 डेज तक बैठना पड़ा, तो पेरेंट उदास है, वो इसलिए भी उदास है कि अपने बच्चे ने ऐसे कार्य किए हैं जिसके वजह से उसको उदासी हो रही है, न्यूज में रोज न्यूज सुनने को मिल रही है। तो मतलब दुनिया में तो पॉइंट यही था कि मिस्टर खान को भी शाहरुख खान को भी ये रियलाइजेशन हो रहा होगा कि भाई ये क्या हो गया मेरे साथ कि मेरे बच्चे को ऐसा पकड़ लिया, मेरा बच्चा गलत रास्ते में क्यों चला गया। अब उससे अब जिस तरीके से हुआ है कि उन्होंने कोशिश की कि पहले बेल हो जाए, 28 डेज तक बेल नहीं हुई और जो भी था, तो मेरे ख्याल से कुछ तो उनको बुरा लगा होगा टुवर्ड्स एस्टेब्लिशमेंट, मतलब नेचुरल लगा होगा कि एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट की ये गलत कार्य है, तो अब देखना पड़ेगा कि अगले स्टेप क्या वो लेते हैं। आई जस्ट होप जो ट्रू ऑफिसर्स हैं जो अपनी ड्यूटी करें उनके ऊपर प्रेशर ना पड़े और उसकी वजह से वो अपना काम ठीक कर ना पाए, जो भी काम करना है नहीं, अगर ऑफिसर्स को वो ऑफिसर्स वही हैं जो ये काम कर सकते हैं, वरना इस लाइन ऑफ बिजनेस में नहीं होते। आई होप सो, क्योंकि बहुत न्यूज में आ रहा है कि बहुत प्रेशर पड़ रहा है उनके ऊपर, मतलब अब कमेटी भी बैठी हुई है जिसमें उनको बताना पड़ रहा है कि नहीं वो जो पता नहीं कितने करोड़ का उन्होंने कहा था ना कि लिया है और उसमें से उनका भी हिस्सा था, उसमें काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो चलो टाइम ही बताएगा, पर जो भी है आई होप जस्टिस हो, सच्चाई सामने आए। तो एज अ पेरेंट हर पेरेंट को खुशी तो होती है, पर खुशी मेरे ख्याल से मेरे हिसाब से पर्सनली लाइटें लूटे लगा के और इस टाइप से नहीं मनानी चाहिए, क्योंकि काम जो करके आए हैं वो उस टाइप का खुशी वाला नहीं है।
आपको ये होता है कि हाँ आपको शांति मिली कि भैया हमारा बच्चा वापस आ गया जेल से, अब नेक्स्ट स्टेप आपको होना चाहिए कि देखें कि इसको ठीक कैसे करना है, क्योंकि एक बारी ड्रग की आदत पड़ जाए उसको छोड़ना बहुत ही मुश्किल है। कितने केसेस हैं कि कितनी बारी वो रिहैब जाते हैं, उसके बाद आता है कि भैया ठीक हो गया जी, ठीक हो गया रिहैब में, उसके बाद थोड़े दिन बाद पता चलता है कि वापस उसने ड्रग्स ली हैं। तो एक बारी ड्रग की आदत लग गई उसको ठीक होना ऑलमोस्ट जीरो ही होता है, बहुत मुश्किल काम है। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।